नया के बाई है सुनीता मौला मई, 5-4 साल पहले कलकत्ता ब्याई, ध्यान से सुनियो बहुत आनंद आवेगा थाने, एक सांची घटना बताऊं मैं थाने। अब्बा कलकत्ता ब्याई ब्या का चीजा कत्ती बदल गई थे, देखियो बदलाव को झटको देखियो थे। बा कलकत्ता ब्याई 4-5 साल पहले, ब्या के पछे 4-6 महीना पछे पी रही जा मिलगी जा, मैं देखियो बापड़िया सोकर कांटो हो रही, दुखियारी सी हो रही, 200-300 रुपए की धोती लपेट में ली। मैं खो ये भाणिया उदास किया। बा बोली भाई जी के बताऊं, मारे परिवार के साथ तो धोखो ही होगो, अठे तो बा बड़ा बड़ा काम धंधा बता रहा हार, बैठे तो बा घर में ही कमरा में ही गोली बिस्कुटा जी सी बरनी मेल मेली है, अरे स्थिति आ है का चाय बना बताई भी बाजार से पाव पाव चीनी ले आवे। मैं मोला को भाई हो बा का नाता बिन धीरज बंदायो, मैं भाई तू भगवान पर भरोसो राख, कंवर साहब ने कहे थोड़ी मेहनत और करे, कदे राम सुनेगो तेरी जिंदगी में भी सुख आवेगो। बारी दे उठने जा रस ने 5 साल पछे बेका छोटा भाई को ब्याह में मोला में ही गईड़ो, जुद में देखियो जी भी 14-15 लाख की दौड़ी गाड़ी में सतो उतरी, साजड़ी गोल मटोल होरी, पान आ रही गाल सुसरिया, 5-7 हजार की साड़ी पेरिया, सोना का गहना सा लकदक। मैं खोयो भाण तनाव देख रहे बहुत जीरा जी है भाई, पर 5-4 साल में ये तो ठाडो बदलाव किया या तेरा मोटियार का कोई भारी लाटरी लाग गई, वह कोई धंधो बदल लियो। बस शर्माती सी बोली बोली भाई जी मैं तो मोटियार ही बदल लियो। ना वो एक कांग्रेस को नेता हो, वो यहाँ धुआंधार प्रचार करी रो, जहां भी खाई एक डोकरी बैठी गुआड़ी के माए, बिना चाल तो स्कॉर्पियो में सा नाड़ काट भी खाई पर की एलो मारियो। बोले ए दादी सुन, वोट कांग्रेस नहीं दीजिए। दादी भी मस्करी, दादी बोली भैया मैं समझी को नहीं, उराव मैंने सुलिया समझा ना। वो उतर गयो ना, दादी बोली बोली बोले बेटा पहले तू मना आ, तो दादी टाइम पास कर रही, बोली बोले बेटा मना आ समझाए, मैं कौन हूं, मैं वोट हूं कांग्रेस हूं के उड़ जायो अगला ने। पर नेता भी यही नेता थोड़ी बनाए, बहुत कलाकार हो, वो भी जिया को जवाब दियो, बात पूंज है तो बतायो। बोली मैं वोट हूं कांग्रेस। दादी ने तो बोलियो दादी हिज के दिन तो वोट ही, वोट का कत्ता उम्मीदवार हो, कत्ता प्रलोभन दिया जाए, कत्ता प्रचार प्रसार हो, कत्ती तिकड़म हो, साथ आवे मारे हाथ आवे। बोली दादी बोली मैं वोट हूं कांग्रेस। वो बोलियो दादी हिज के दिन तो वोट ही, पर अब तो डोल कांग्रेस भी माड़ा हो रहा है। मैं वोट चेर बा गयो ना, मेरा आगे एक बुढ़ा शेठ जी खड़िया, बाकी वो शाही लगा बल आ गयो ना। वो मैंने बुझे बोले बोले भैया आज शाही कताक दिन ना उतरे ना। वो बोलो ताऊ यहाँ जड़ सा उतर बा, तो 3-3.5 मना लाग जाए। तो बोले बेटा आ शीशी कतारी पे की आवे आगे बुझ रहे। वो बोलो जी पिसा को लागे सरकार देवे। तो बोले बेटा एक माने ही देने। बोले देख उन सका ताऊ जी गिनती की आवे। अब ताऊ जी को जवाब का आनंद लीजिए, मारवाड़ी क्या नख है। बोलो देख उन सका गिनती की आवे। तो बोले बेटा फिर तू ये आंगली का रहने दे यार, थोड़ी मेरे सिर में डोल मारे तो आई 15 ही दिन चाले। बोलो मारे तो आई 15 ही दिन चाले, थोड़ी सिर में डोल यार। तो आपड़ो आदमी हर जगह बहुत ध्यान से देखे, आपड़ो अटकल से ही काम पेश पाट दे। मैं मारे सारे ही बसेश्वर जी बाबू जी है, बाका टाबर तो बड़े बेंगलोर रहे, बाबू जी है कोई 90 साल का, बा दादी है कोई 85 साल की ना। मैं उस में रूजा डोकरा डोकरी से मिले हूँ, माईता का हाल बुझे हूँ। बार परसों गया था, वो दादू सामने ही बैठे हो राम सिंह जी हरी जी, मन देखता ही दादी ने हेलो मारियो। बोले सुने है के मारी गणगौर है। औसता में दादी ने गणगौर खो जा, दादी भी साल सूल अटार चुटी हो लेर आई बारे में मुड़क तेसी और सांकड़ा आई जा। बोलिए सुने मेरी चंदा चकोर रो, मैं दादा चाला ही काट गो भाई और सांकड़ा आई ना। बोलिए सुने शेठानी यो पड़ोसिया को टाबर आए, कोई कल्यो कोई चाय पानी लिया। दादी पाछी कल्यो लिया बा गई जना। मैं खेयो मैं दादू जी क्यों ही खेदो भाई, आदमी बहुत रसी आओ, बेटा पोता दोईता दोईती ब्याह लिया, पर हालता ही भी दादी ने गणगोर चंदा चकोर के लाड लडो। अब अपना जी अटकल समझ बा तो बतायो। दादू जी बोले अरे बेटा क्या कह रसी, हाँ ये उम्र में न तो काया काम करे न माथा काम करे, मैं तो 10-15 दिन पहले आई को नाम भूल गो, मेरी तो पाछी बूझबा जी मत भी कोनी हो। तो आपने तो अटकल से ही राजी रखे। मैं भी गेला में आता सोचो, मैं अपने भी पड़ोसिया को बेटो ही करो, दादो नाम तो वास्तव में ही भूला लागो भैया। तो अटकल को तो बताने एक उदाहरण बताऊंगा, बड़े चिड़ावा का ही अनूप जी बजेरिया है, बड़े गुड़गांव में एक कॉलोनी में किराना की दुकान कर मिली है, छोटी सी सड़क के सारे बाग के सामने एक विदेशी शॉपिंग मॉल खुलियो है, मैं सुपरमार्केट टाइप को 5-4 माला को हर तरह का आइटम बिके, 5-4 करोड़ को स्टॉक रहे, लिफ्ट लाग रही है जना। आपड़ो आदमी टेंशन में आ जानो चाहिए यार, अब आपने कन 1-2 लाख को माल, अपनी दुकान क्या की चाल छी। बे आपका बारे डिस्प्ले का बे बोर्ड लगाया प्रचार का, देसी घी 800 रुपये, आपड़ो अनूप जी गावा रो भी गत्ता परी लिख रहे टांग दियो, देसी घी 780, भी कोई कंपटीशन कर दियो।
बब आपड़ा ऊपर तक मेल करी, एक छोटा सा दुकानदार कंपटीशन कर रहा है। नबा के जवाब आयो से कि चाहे गाठा लग जाए पर अपने को अपनी गुडविल बनानी है। नब्बा देशी जी 750 कर दियो, शेठ जी 720, बस 700, 680, 650, इया करता करता एक महीना में देशी जी 450 आएगो। सारो गुड़गांव भी मोल में खरीदवा जाए भी कर, रोज ना शाम के लाखा रुपया को गाठो लागे, सह लोग भी जाले आवाज आए ना। एक पड़ोसी बुजुर्ग हो छाणो आदमी राम सिंह जी जिया को, वो भी ना समझायो रे, बोलियो बेटा अनूप ए तो बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां है, आकाइयां का देश में 20-50 है, ए एक में गाठो खा लेगा और में कमा लेगा, पर बेटा आपा ने को नहीं सकेंगा, तू के करे है। अब अपना आदमी को जवाब सुनियो थे, बोलियो बेटा आपा ने को नहीं बंगा, वो बोलियो तो ताऊ जी आपा दुकान में जीरा खाई कड़े हाँ, ताऊ चकरायो तो बोलो बोले बेटा तो गत्ता पर लिख में लियो है, बोलो ना 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 आपा जी कौन रखा, आपा तो आग लगा गोचो लकड़ी रखा खाली भी कह, एक मना में 20-30 लाख को गाठो चेप दियो। वो बोलो रे तो बेटा कोई मांग ले जना, बोलो ताऊ जी सारे दिन मांगे, मैं बाने समझाऊं कि भैया मारे तो सुबह गांव से कटे और सीधो टेम्पू के माए आवे, रातों ताजा हुए, लोग लाइन लगा और आपको तुला तुला ले जाए, मारे कन पड़ियो खड़े ला दे और भी कहा जाए डब्बा चिड़ा ला दे, बाकी जज जाएगी वो तो बस ही बेचे। अरे बोलियो मान ले पर कोई ले रही हो जाए कि बिना तेर के नहीं लेना है, चाहे 5 दिन फिर जाए जना तू के करे। बोलियो ताऊ जी भाभी करां जी कदिन इका भाव कम हो, बिदन पिसा गऊ ले लिया, लेरा से छोरा ने भेज रही इपाई मंगार थैली में गालर दे दिया, कदो बचेड़ लागे बतो ही सुख। तो आपड़ा जी अटकल बहुत अद्भुत हो, अटकल का सारा चीज जिशा मैं और बहुत आनंद की बात आप कृष्या बताने कई चीजा ही सुना शुक्र शो आनंद ले आप आज जाति साल को है। ओ अगर रिकॉर्डिंग वगैरह नहीं करो तो मैं थोड़ा और खुलर भी सुना सकूं आपका बयान है। हाँ आम आगे मारे दुकानदारी में फर्क पड़ जाएगी मड़ोचे की बात है। तो नहीं बड़ा आनंद मैं ताने बताऊं, एक और है ओ अथेजिया छोटा भाई 20-25 साल का, वो आ उम्र बारे भी आई जिका थार में है, मार में भी आया, अब मालडी असर है पस राम सिंह जी अरिजिया हो जाऊंगा, खाली कवियत्री देख कालजो निवायो रखेंगा। नहीं बुढ़ा माइत को कालजो निवायो रहे, वो भी बहुत बड़ो, इससे बड़ो पुण्य है नहीं, जयंत भाई थे वो तीर्थ यात्रा सी करियो आज तो। हाँ तो ऐज का आनंद एक और है, ऐसी आनंद की बात बताऊं मैं रोजना तो को नहीं बताऊं, ऐज की चीजा है ना, पुराना आदमी टेक्नोलॉजी ने कौन जाने, अब जिका चालगा आपा कौन सोची कि यहाँ इराक बैठे को बुंडो देख रहे बात करेंगा आपा, यहाँ कौन सोची टेक्नोलॉजी चालगी। मैं थाना एक सांची घटना बताऊं आज के 20-25 साल पहले की, मारे भाई काकू जी बड़े बिदा सर में रहे, 5-7 पटेड़ा है गांव में किराना की दुकान कर मिली है, जना भाई रात ने गर्मिया में 9 बजे सी दुकान मंगल कर गिरा यार, छात पर बैठ बोरी पर रोटी खावा ला गया, जना भाई काकी खेयो बोली बोली जी ओ उपग्रह क्यों है, उपग्रह है ना लाई काका का संकट होगा, बोले तन्ने के मतलब उपग्रह से, नब्बा बोली जी मैं तो आज दोपहरी में वो टेलीविजन में नाटक ही कौन देख सके भी, मैं मंडेडो आ रही हूँ, उपग्रह से संकेत नहीं मिलने के कारण रुकावट के लिए खेद है, वो दौर देखेड़ो अजय थारो जदिया नहीं आते ना वो लिखेड़ो आते भी मैं ना, बोले उपग्रह से संकेत नहीं मिलने के कारण रुकावट के लिए खेद है ना, काको लाई पूरा दिमाग लगायो, बोले उपग्रह उपग्रह मतलब सेटेलाइट, काकी बापड़ी सेटेलाइट भी कौन समझीबा, बोली जी तो सेटेलाइट क्यों हुए है ना, काको समझायो बोलो सेटेलाइट सेटेलाइट तो यहाँ समझ लो एक बहुत बड़ी मशीन जिकी बहुत ऊपर आसमान में लाजड़ी रहे और चारू मेर घूमती रहे और बा बठे सही नीचे पूरी धरती की फोटो खींच ले और डायरेक्ट टेलीविजन में भेज दे। काको जी लाई पूरी कोशिश करी आपकी आ सुनता ही काकी सुननी होगी 2-3 मिनट में बेहोश होगी, काको जी भी पानी आ रहा गिलास का ही छांटा दिया, जना काकी ने 5-4 मिनट ना होश आयो जा बोली रोती रोती, बोली जी थे मैं तो गूठा छाप हूं पर थे तो बाजार में बैठो हो श्याणा सौदा हो, मैं तो बावली हूं पर थे तो श्याणा सौदा हो, कर भी कर लियो जीव के फंद, आज तक को तो राम रुखाड़ो आज से ही छात पर सुनो बंद। तो मारा तो बेदौर भी देखे। हाँ तो इलिए टेक्नोलॉजी नहीं चली है ना आपको कद के रिजल्ट आ जाए मेरे को निपटक जिका हंसी आनंद की बात। मैं एक दो थाने विशेष कविता सुनाऊं सिंसियर कविता सुनाऊं, चीजा धीरे धीरे बहुत बदला है, आंगली पकड़ पूछो पकड़ बारी बात है था ना, जिकी काम की बात सुनाना चाहूं वह भी मैं आपने बताऊं, कविता कोई जरूरी को नहीं, कमल जी भाई साहब बहुत लंबी चौड़ी करे अर्थ निकले, दो दो पंक्तियां में भी जीवन को सार बतायो जा सके थाने, एक यहाँ जी 20-30 कविता है बाम से थाने एक दो बात बताऊं, दो निर्जीव चीज आपस में बतला रही है, दो निर्जीव है दोनों में जी को नहीं
बा के बीच में कभी बात करावे है और बस जो अर्थ निकले मैसेज निकले बहुत तो तगड़ो निकले कि हर मिनख ना आपके जिंदगी में अपनानो चाहिए। एक सिंसियर दो लाइन की कविता थाने सुनाऊं, बात समझो तो बतायो। क्या गेला में पड़िया कांटा ने पघा से मसलती चमड़ा की जूती बोली, कांटो भी निर्जीव बिम भी जीव को नहीं, चमड़ा की जूती भी मरेड़ा जानवर की बड़े बिम भी जीव को नहीं। गेला में पड़िया कांटा ने पघा से मसलती चमड़ा की जूती बोली, बोली मेरी ठाडाई मानगो और ताकत दिखाऊं, मेरो दबदबो मानगो और ताकत दिखाऊं। अब कांटा को जवाब सुनियो थे, बात पूछे तो बतायो मिनखा जोन में भी अपना नहीं चाहिए आपने। गेला में पड़िया कांटा ने पगा से मसलती चमड़ा की जूती बोली, बोली मेरो जोर मानगो और ताकत दिखाऊं। वो बोले बावली जब जीवती होती तो कई दिन ही पाचिया फिरती, अचपड़ो ही अचपड़ो हूं पण मरेड़ा ने कोनी सताऊं। जिंदगी में ऐसी आनंद मस्ती कमाई खूब करो पण आपने कोई बहुत कमजोर हो भी ना खाना जी बापड़ो मरियो पड़ियो है, चाहे वो काया से हो, चाहे माया से हो, चाहे दबदबा से हो, आतो ध्यान रखो जी इया को पाप ना हो जाए कि जिंदगी में कदे कोई मरेड़ा ने सतायो जाए, फिर आदमी के बावड़वा का जेला ही कोनी है। इया ही आतो थे प्रेम दे रहे हो तो दो लाइन था ना और सुनाऊं इया की, दो दो लाइन में कविता हो उसके। मारवाड़ी आदमी तो बहुत ज्यादा टेम ने खोटी करी को नहीं, मैं भी मेरो एक भी मिनट थारो एक भी मिनट खोटो नहीं करूंगा, मैं थाने विश्वास दिलाऊं कि मैं आपका उतना ही टाइम लूंगा जितना अपना दूंगा। और बेश देवा ने मेरे कन भी कुनी है तो दो एक और सुनियो जो आनंद आ जाए तो। क्या बटलोया पर पड़ी बाट की बोली, बटलोयो पुरानिया तो जाने हैं, पहले जब आपने दादी और चूल्हा में रोटी बनाती लकड़िया में, जहां भी राख गर्म होती भी पर एक गोल पिंदा को लोटो राखती, वो 24 घंटा भी भोबर पर ही रहतो और वो तपेड़ो रहतो, वो इतना ही राखती कि कदे बेगो सो दूध गर्म करना हो, टाबर ताई कोई दादू जी ताई काडो बनानो हो, कोई दाल निवाई करनी हो, पानी निवायो करनो हो, ना बार बार चूल्हो नहीं बाड़नो पड़े, फटो जाए बिना बाटकी से डक्यो राखती। बटलोयो निर्जीव है, बाटकी कटोरी निर्जीव है, दोनों बतलारिया है, अर्थ जो निकले वो बतायो। बटलोया पर पड़ी बाटकी बोली, बोली दादा तेरे तो 24 घंटा सीधो ताव आवे है, तना ताव से तकलीफ को नहीं होवे के। अब बटलोया का जवाब सुनियो, घर में जिका अपना बापूजी कमार लियावे है, बाके प्रति श्रद्धा जाग जाएगी, बस किया दुख पावे आपा ने पाले है तो बतायो। बटलोया पर पड़ी बाट की बोली, बोली दादा तेरे तो 24 घंटा सीधो ताव आवे, तने ताव से तकलीफ को नहीं होवे के। बटलोयो बोलियो, बेटी थारे नई पीढ़ी की समझ में आई तो समस्या है, कोई को पेट भरवाता ही तपड़ो तकलीफ नहीं तपस्या है। तो बहुत सारी चीजा है, कविता बहुत कम शब्दा में बड़ी बात हो उसके, ऐसी मस्तियां अति बिखरी पड़ी है। मैं थाने एक दो मन की बात बताऊं, ऐसी आनंद की मन आपा भरपूर जीवा चीज। मैं एक सबसे छोटी कविता सुनाऊं आज थाने, बड़ा बड़ा कवि बैठे हैं, पांच चार मिनट आपा भरपूर आनंद लेगा, मैं मेरे मन रहेगा जी 5 मिनट में 50 मिनट जतो हंसा दू थाने, बतो कोशिश मैं करूंगा। कविता में बहुत तरह का प्रकार हो, कविता जिया गीत सुनाया, मुक्तक सुनाया, शेर सुनाया, शायरी सुनाई, छंद सुनाया, सोरठा होवे, तुकांत होवे, एतुकांत होवे, मात्रा जिणनी रहे, गजल होवे, बहुत प्रकार होवे कविता में। सबसे कठिन जिको प्रकार होवे, सबसे कलडो वो होवे नामाक्षरी। जिया मने मान लियो लिखनी होवे कोई भी नाम पर कमल मनोहर, तो मैंने 7 लाइन की कविता लिखनी पड़े, बिम मेरे बंधन और है कि पहली लाइन कमल मनोहर, तो इया पहली लाइन मैंने कैसे शुरू करनी पड़े, दूसरी कमे ले तो दूसरी मैसे, तीसरी लैसे, चौथी इया चालनो पड़े। इससे कठिन हो कह रहा नामाक्षरी जी, मैं जी सारी आपने कह के बाद मैं कोलेस का जी अपना कह खे गए गय डे चय छय झय इया चाले भी यही चालनो पड़े, पहली लाइन राम खेदड़ साहब कैसे, दूसरी कैसे, तीसरी कैसे, चौथी कैसे इया। और सबसे कठिन होवे ककहरा नामाक्षरी श्लोकम, भी मैं अठिन कह खे गए गए ओ बंधन राखनो पड़े, और अठिन कह आरी लाइन में हर शब्द कैसे ही लेनो पड़े, खा आरी लाइन में हर शब्द कैसे ही, गए आरी में हर शब्द कैसे ही, यानी अठिन भी एकदम ओड़मा में, अठिन भी ओड़मा में इया की कविता। एक एक कवि साहित्यकार मरबा के 100-150 साल पछे किताबा में लिखा जाए अमर होवे, जे आपा महादेवी वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर, सुभद्रा चौहान अन सबने पढ़ा न, भी आई 100-150 साल पछे राजस्थान का साहित्य को इतिहास लिखेगा कोई ना, भी मैं उसके अमास्त्या को भी नाम आवे।
कि आज के 150 वर्ष पूर्व राजस्थान के शेखावाटी के झुंझुनू जिले के नवलगढ़ कस्बे में हरीश हिंदुस्तानी नाम के एक ऐसे साहित्यकार हुए जिन्होंने साहित्य की कठिन से कठिन, गंभीर से गंभीर, सबसे मुश्किल विधाओं की बायसी तैसी करी ही। आपनो नाम तो ही नहीं है तो बस ऐसे छोटी कविता में दाने सुनाऊं आनंद की। आपने राजस्थान में सच क्यों आनंद है, आपने खाली एक ही संकट है कह जिका भाई पे तीसी भी पकड़गार गेला नहीं गल रहा है आका। हाँ ओ हाँ ओ भाई को हाथ खड़े होकर मैं एक नु मारे तो खुद के 60-70 है। अठाई तारे जमात में कोई घूम चकरी को देवरो बना दू भाई ओ बड़ो संकट है। मैं ताने बताया करूं मारे आ एक देखेड़ी पीड़ा है मारे गली में सुभाष है 38 साल को होगो, 3-4 साल पहले की बात है। बिका 10-15 साल से ब्याह की भयंकर लगन लाग रही है पर कोई जेलो को निकल रही हो। 5-4 साल पहले गली में कोई निकासी आई बनोरा आयो सुभाष 33 साल को ना सुभाष को बाप बैठक में कमरा में बैठे ही खेयो बोलो देख रहे सुभाष आज गली में किका बाजा बाजा है। सुभाष भी बापड़ो भरियो बैठो बोलो जी जिका का माँ बाप समझदार है बाका बाजा। मन में तो आई सोची होशी जी काका नहीं समझ रहे बाका बाजा के संखी बाजता तो पहली 4 पंक्तियां प्रेम की श्रृंगार की मारवाड़ी में अठिन कैखे गए अठिन कैखे गए भी मैं थाने सुनाऊं। प्रेम की सुंदरता की इस सुंदर पंक्तियां थी आपनी बोली में नहीं सुनी हो ठीक लागे तो बतायो कि जतबा कुआरा ने किया की लागे। अब मड़ उतर था 16 तारीख से सवा शुरू होगा बीन पहले आर बैठ जाए पछवा बीननी भाई लाके भाभी के सागे फेर आवे जब तय माड़ा नहीं गल जाए फेरा नहीं हो जाए बत्ता हर छोरा ने मोटियार ने बीननी किया की लागे। पहली 4 पंक्तियां श्रृंगार की बह के कंसन काया कामण गारी की कह 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 24 कैरेट का पार की होती कंचन काया कामण गारी की कामण गारी कंचन काया कामण गारी की कालजिया की कोर और खबसूरत खालिस खांड सी। मैं ब्राह्मण आदमी माने खांड ही सब सुंदर लागे जब शाड़ो लागता ही बाजार में आवे नहीर ताजा शक्कर तो बिका रूप रंग मिठास और शुद्धता ने कुण दे दे टक्कर। और आप अपन माओ भी खावा तो वो गड़बड़ निकल सके अपन शक्कर गलत को निकले शक्कर बिन बाप रेडी हो गए डली आपने ही फोड़ा मैं थे गलत समझ रहे हो मेरे बाजरा जी रोटी पर दादी घी गाल रहा शक्कर जेड़ती वो स्वाद और कड़ी आवे थाने बताओ। खबसूरत खालिस खांड सी खुशबूदार खमोर एक खमोर को पेड़ हो साउथ अफ्रीका में आपने जहाँ रात की रानी मोगरो है आ सभी 100-150 गुना सुगंधित अति जोर की सुगंध के बीच के नीचे से हाथे भी निकले तो भी सुगंध से मदमस्त हो जाए। बियाई नई नई बीरणी 16 श्रृंगार कर तरह तरह का सेंटर डीओ लगार भी मखमली कुर्सी पर सारे सियार बैठे तो सुगंध से ही बनड़ा कोई बड़ो हो जाए राजी अरे बाउली बात भी करे तो वो कहे हाँ जी हाँ जी हाँ थे वो स्टेज ध्यान में रखो के क्यों है। खबसूरत खालिस खांड सी खुशबूदार खमोर गजबण गुणवंती गजगामिनी दुनिया में सबसे सुंदर चाल बताइए अथनी की। अथनी मस्ती में जोमती धीरे धीरे आनंद के साथ यहाँ की चाल है अति प्यारी लागे बे आपा दुल्हन के स्टेज कड़े लगा वहां भी का घरा के सबसे नजदीक जिको खाली प्लाट हो बड़े लागे रोजिना बाबी ने 3 पगा के कुदकड़ा में ही नाप देती हो बी दिन बाया नजरा ने नीची करिया लाचा ने जरा सो ऊंचो करिया भाई लिया थाली में फूल की पत्तिया ले अरे आदो आदो पग स्टेज ताई मेले मोला पलिया का सागे पटड़िया टाबर तो भी क्या शालीनता देख रहे डाफा चूक हो जाए करा आ तो फेरा का मंड में बैठा पहले ही मंतो जी काल की फुलन दे भी आ संतो जी बा 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 3 पगामन आपतियों अपने बा बिदनिया लागे कोई राजस्थान की प्रसिद्ध नृतांगना ले ताल के सागे एकदम फिक्स गुमर गाल रही हो जाए गाल गुमे गजबण गुणवंती गजगामिनी गोरडी गणगोर और घाल गुमेर घुंघट से गोरे मारवाड़ी समझ रहे हो आप सब लोग आ नहीं तो थे सोचो मैं आयोजन से मारवाड़ी बोलू थे सोचो पडेड़ो नहीं हो यहाँ की बात को नहीं यहाँ मैं एम कॉम LLB DTL करेडो हूँ मैं पढ़ मैं रोजिना इंग्लिश को नहीं बोलूँ और आवत तो है मैंने पर यहाँ 8-10 दिन को नहीं बोलूँ मैं आपने बताऊँ जनरली आई नोट स्पीक इंग्लिश फॉर स्पीक इंग्लिश वेन आई फील
so much 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 in my deal. Then I speak English very much too much, so much more much, how much 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 much. Then why not some people say please keep quiet means don't do much much. But I am fully confident and paying naka anyhow. Mostly I succeed bus maring majana kade kau. तो घा गजबण गुणवंती गज गामणी गोरडी गणगोर और घाल घुमेर घुंघट से गुरे पछ थाने एक और मैं बहुत गहराई की बात बताऊं थे कोई रिसेप्शन में चलिया जायो बीननी आर बैठे बीन पल्या से बैठो लादे बैठ बा के एक मिनट के माय माय बा एक बार ओले सी तिरछी नजरा से कनख्या से चुपके सी भी बालमका नहीं देखेगी और मन न तसल्ली देगी कि धरती पर आज तक गेला की कमी नहीं है एक तो बाप कड़ो ही तैयार हो गाल घुमेर घुंघट से गुरे घेवर सी गणगोर और जिया रबड़ी आरी घेवर हो भी सट रस टपके बियाई भी दिन ब्यूटी पार्लर आ रही की कृपा से भी का चेहरा से टपके और जिया घेवर के बीच में लाल लाल केसर लाजड़ी रहे बियाई बादल भाई भी का लाल लाल लिपस्टिक लाजड़ा आगे मैं कुछ नहीं बोलूंगा ए पहली चार पंक्तियां तमाम कुंवारा ने श्रृंगार की समर्पित कह कह गए गए अब आगलडी चार पंक्तियां ब्याह के 10-15 साल बीत जाए दो तीन चार टाबर हो जाए आज ना आ कोई भाई जी जरूरी को नहीं कि 10 साल में चार टाबर होना जरूरी होगा मैं आपने बताऊं कि इस टारगेट के अचीवमेंट के प्रयास में सभी आजी इस टारगेट के अचीवमेंट के प्रयास में ड्राइवर अपनी नींद और हिम्मत खो सकता है कृपया इस टारगेट के अचीवमेंट के प्रयास में ड्राइवर अपनी नींद और हिम्मत खो सकता है कृपया ध्यान रखें हर गाड़ी का माइलेज और एवरेज अलग अलग हो सकता है अब ब्याह के 10-15 साल बीत जाए मारी सी गति में आ जाओ भाई घराली क्या की लागे वो कह कह गए अब सारा ब्याडा ने समर्पित ब चार लाइना सुनियो भाई घराली क्या की लागे कह काली कंकाली कंसली कसारी कड़क्षा कड़ी बिगाड़ कान खानी काली कंकाली कंसली कसारी कड़क्षा कड़ी बिगाड़ कान खानी खतरा जी खाला छिराऊं खतरनाक खेबा गारी खाड़ा खोदने खाल खानी गेली गजदंतिका यहां से मना अथनी का सदात फड़े गेली गजदंतिका गले गणनी गोदम गारी गरुड़ पुराण गाणी और जारीर गोरी मिनीर गोसा गारीर गरखानी बोलो सतनान भगवान ने की बहुत धार्मिक आदमी है समय की सीमा है कमल जी भाई साहब और आपा सी मस्ती के साथ है तो बावली बाता ही थे सब जिका छोटा भाई या थारो तो प्रेम थे मंदियो हो और मैं थाने एक मन की बात और बताऊं एक मात थाने मैं मन की बताऊं देखो कजिया मां कविता शुरू शुरू में शुरू करी आज के 18-20 साल पहले लगभग 2000 के आसपास जना न तो कवि सम्मेलन होया करता मेरे या मैं अखबारा में पढ़तो पढ़तो मेरे लगन लाग गई नया आदमी ने पीछो भी कोई देखो नहीं क्योंकि नाम ही कौन जाने ने ना वो चला रहा खड़े कवि सम्मेलन हो जब चिट्ठी लिखे भाई जी मैंने ही बुला लियो मैंने कविता पढ़ा लियो मेरा बस टेम याद आवे चोरूमो हो तो मैं बाने चिट्ठी करतो बागा नंबर ढूंढतो नगर पालिका राका खे तो मैंने ही कविता पढ़ा लियो यहाँ को भी टेम हो अब तो मालिक के दया से साल में 50-60-100 फ्लाइट भी करा अब जहाँ 26 जनवरी ने काठमांडू है भारतीय दूतावास को खूब आनंद करा पर वो टेम हो पर बताने बताऊँ एक बार की बात बताऊँ थाने मैं विशाखापट्टनम गयो पहली जीवन में और 1500 रुपया में गयो आज यहाँ जाति साल पर आपका भाया के बीच में एक मन की बात बताऊं वकील साहब 1500 रुपया में विशाखापट्टनम गयो कत्ती दूर है मैंने भी बेरो को नहीं हो विशाखापट्टनम आबा जाबा को बाड़ो ट्रेन को 2800 रुपया लागियो 3 दिन ट्रेन में ना नहीं सको बा कोयला की ट्रेन उतरियो ना काड़ो भूत हो उतरियो आग तो होगो बैठे पक्षपण में शाम की भी शहर में गयो और बड़ो स्टेडियम एशीर बठे का बड़ा बड़ा मंत्री वीआईपी बैठा और यहाँ कोई बैनर टंग रियो अरबी बैनर पर देश का बड़ा बड़ा कविया का नाम मंडरिया पद्मश्री सुरेंद्र शर्मा दिल्ली फलाना बेंगलोर बठे भी मैं कुणा में मंडरियो बड़ी से नाम हरी हिंदुस्तानी ब्रेकेट में झुंझुनू बा सारी थकान ही ना बा बठेर जीरा जी हो गो उतर गो बठे भी कि यार आपा तो दुख पाया अपन अपना झुंझुनू को नाम है साउथ इंडिया का लोग भी सुन रहा है कि एक मोटियार तो बठे से भी आयो है भाई तो वो आज भाया ने देखा तो वो प्रेम आनंद आवे एक चार पंक्तियां के साथ आपा विदा लेंगा और बहुत संस्कार के साथ एक मिनट से भी कमी भारत माता ने समर्पित कर करो आपने कभी भी जाने और शेखावाटी में बादल भाई जठे भी जाऊं मैं बहुत गर्व से बताऊं कि मैं भारत के राजस्थान के शेखावाटी के उस झुंझुनू जिले से आया हूं कारगिल युद्ध में जब पूरे हिंदुस्तान ने 546 शहीद दिए तो हम झुंझुनू के लोगों को इस बात का गर्व है गुमान है दम्भ है अभिमान है हमारा स्वाभिमान है
कि उन 546 शहीदों में से 284 लाल झुंझुनू की माओं ने न्योछावर की है। तो वंदे मातरम केवल सूर्य उदय से सूर्यास्त तक के बीच गाया जा सकता है, जनगण मन 24 घंटे गाया जा सकता है, राष्ट्रगान इस वतन की वंदना। अब आज के इस नववर्ष के शुभारंभ 2023 में हम इस संकल्प के साथ कि अपनी पूरी ऊर्जा से इसके जिंदगी का सर्वश्रेष्ठ वर्ष बनाएंगे, देश के हित में काम जितना बन पाया करेंगे, एक मिनट से भी कम समय 52 सेकंड भारत माता के चरणों में चढ़ाकर हम विदा लेंगे।